हेलो दोस्तों कैसे हो आप सब मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे सो so दोस्तों आज की जो वैकेंसी है बहुत ही बढ़िया वैकेंसी है, है। विप्रो कंपनी के लिए है, जो कि इंडियन एमएनसी कंपनी है और यहाँ पर जो कंपनी है फ्रेशर्स के लिए वैकेंसी लेकर आई है जिसके लिए सभी बी, -बी अप्लाई कर सकते हैं सो so दोस्तों स्टार्टिंग जो पैकेज है कंपनी काफ़ी अच्छा पैकेज दे रही है सभी बी, -बी जो अप्लाई कर सकते हैं दो वालों को भी यहाँ मौका मिलेगा उसके अलावा अलग अलग ईयर है कौन कौन एलिजिबल है पूरा वीडियो में जो है आपको दिखाया जाएगा इससे पहले दोस्तों कहूँगा कि चैनल पर नए आए हुए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसको ज़रूर क्लिक कर लें चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को क्लिक कर लेना क्योंकि बेल आइकन को क्लिक नहीं किया होगा तो आपके पास वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं पहुँचेगी और साथ ही हमारा टेलीग्राम का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है वहाँ भी आप देख लेना उसको आप ज्वाइन करोगे तो आपको अलग अलग तरह की टेलीग्राम ग्रुप में जाके वैकेंसीज दिख जाएंगी जो हम वहाँ पर फ़ोटो शेयर करके दिखाते हैं तो चलिए इसके बारे में जानते हैं किस तरह आप विप्रो में अप्लाई करेंगे और कौन कौन सी वैकेंसीज़ यहाँ पर लगी हैं इसके लिए आपको गूगल खोलना पड़ेगा और गूगल में आपने लिख देना विप्रो करियर्स जैसी विप्रो करियर्स लिख के आप सर्च करेंगे तो देखेंगे विप्रो जो कंपनी है उसका करियर्स का पेज का लिंक यहाँ पर आ जाएगा इसको दोस्तों आपने क्लिक करना है विप्रो कंपनी के करियर्स के पेज को क्लिक करना है जैसे आप इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे जो विप्रो कंपनी है उसका करियर्स का पेज ओपन हो चुका है तो जैसे ही यहाँ पर पहुँचेंगे तो यहाँ पर आपके सामने लिखा आएगा ट्राई स्किल्स कीवर्ड्स लोकेशन एंड फाइन जॉब्स जैसा कि आप जानते हैं जो विप्रो कंपनी एक एम कंपनी है ऑल ओवर दी वर्ल्ड में वैकेंसीज लगाती है तो फिलहाल अगर आप इंडिया के लिए वैकेंसी देख रहे हैं और जिसके लिए हम दिखा रहे हैं वो इंडिया के लिए है। तो आप इंडिया लिख के सर्च कर सकते हैं नहीं तो आप किसी इंटरनेशनल कंट्री को टारगेट कर रहे हैं उसका नाम लिख के भी आप सर्च पे क्लिक कर सकते हैं फाइन जॉब्स पे जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने लिखा आएगा वर्क विद अस और यहाँ पर लिखा होगा जॉब सर्चिंग जॉब मैचिंग ठीक है तो जॉब सर्च पे ही आपने यहाँ पर फिर दोबारा जो है एक बार फाइन जॉब्स पे क्लिक करना है फ़ाइन जॉब पर आप क्लिक करेंगे इंडिया लिख के तो यहाँ पर आप देखेंगे एक हज़ार से ज़्यादा रिजल्ट जो है वो इंडिया के लिए आ चुके हैं और राइट हैंड साइड में जो आपको चीज़ दिख रही है वो है सोड बाय रेलिवेंस तो ये जो चीज़ करनी है बहुत ज़रूरी है सबसे पहले कि आपने यहाँ पर पोस्टेड पे क्लिक करना है जिसके डेट वाइज वैकेंसी आ जाए कौन कौन सी वैकेंसी यहाँ पर लगी है सभी के लिए यहाँ पर मौका दिया जा रहा है ऑल इंडिया जॉब्स चैनल पर तो चैनल को जरूर दोस्तों सब्सक्राइब कर लें आपके पास यहाँ पर वैकेंसी यहाँ पर दिखाई जा रही हैं साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट अट्ठाईस तारीख़ की वैकेंसी है उसके बाद देखेंगे ऑटोमेशन इंजीनियर जो नेक्स्ट वैकेंसी है ऑटोमेशन इंजीनियर इसको भी आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर आपको दो साल का एक्सपीरियंस चाहिए इसको ओपन करके आप देख सकते हैं बेंगलुरु कर्नाटका के लिए फिर यार टेक्स्ट इंजीनियर की वैकेंसी है ये जो वैकेंसी है हैदराबाद लोकेशन के लिए वैकेंसी है हैदराबाद तेलंगाना के लिए वैकेंसी है तो इसके बारे में अभी आप पूरा डिटेल से जान सकते हैं क्या कंपनी ने मांगा है क्या क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेंगी इसको देखा जा सकता है आप इसको ओपन करके यहाँ पर चेक कर सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर इसके बारे में पूरा डिटेल में दिया गया है तो चलिए इसको बैक कर देते हैं यहाँ पर जो मेन वैकेंसीज़ है जिसके बारे में हम और भी दिखा रहे हैं वहाँ पर यहाँ पर आएँगे टेस्ट इंजीनियर के बाद देखेंगे टेक्निकल लीड सर्विस नाउ टेक्नोलॉजी आर्किटेक्ट डेवलपर की वैकेंसी है गुरुग्राम लोकेशन के लिए साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट की फिर वैकेंसी है एनालिस्ट की वैकेंसी है लीड एनालिस्ट की वैकेंसी है सो दोस्तों इसके साथ ही कहूँगा वीडियो पे बने रहना वीडियो पे आपको बहुत सी वैकेंसी यहाँ पर दिखेंगी फ्रेशर्स की तो यहाँ पर जो एक वैकेंसी है एसोसिएट इंजीनियर कोलकाता की वैकेंसी है ये टेक्निकल सपोर्ट की वैकेंसी है ठीक है तो इसके लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटिस चाहिए वो भी यहाँ पर बताया हुआ आप तो इसको चेक कर सकते हैं सारी आपकी बता रखे हैं क्या क्या चाहिए इसमें आपको अगर आपके पास एक साल का भी एक्सपीरियंस है एसोसिएट ऑफिसर का तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब है तो इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं अगर जाना चाहते हैं इसमें तो आगे चलेंगे जो है नेक्स्ट पेज पे नीचे से करेंगे नेक्स्ट पेज तो ये भी डेट वाइज सब वैकेंसी चल रही है VLSI, PM, legal, फिर क्वालिटी एंड प्रोसेस एक्सेलेंस लीड टेक्निकल लीड फिर वी एल एस आई पी एम लीगल फिर टेस्ट इंजीनियर इसी तरह डेवलपर अब देखिए यहाँ पर जो वैकेंसी आई है वो है एसोसिएट की वैकेंसी है ठीक है एज एसोसिएट इंजीनियर कोलकाता के लिए आप अप्लाई करेंगे पर्पस आपका क्या रहेगा द पर्पस ऑफ दिस जॉब रोल टू प्रोवाइड इफेक्टिव टेक्निकल सपोर्ट आप देंगे प्रोसेस एंड एक्टिवली और रिज़ोल्व क्लाइंट डायरेक्टली और थ्रू टाइमली एक्सकलेशन टू मीट एस एल ए तो एज़ पर स्पोर्ट प्रोसेस पर मैनेजिंग ट्रांजेक्शन एज पर क्वालिटी स्टैंडर्ड तो आपका ये जो सारा जो काम दिया गया है डॉक्यूमेंटेशन का जो अपडेट जो ऑन अवेलेबलिटी इन रेफ सिस्टम और रिकॉर्ड ट्रैक एंड डॉक्यूमेंट ऑल क्वेरीज टोटल जो है आपने फॉलो स्टैंडर्ड प्रोसेस करने हैं ठीक है रिजॉल्व क्लाइंट क्वेरीज एज पर द एस एल ए डिफाइंड द कॉन्ट्रैक्ट एस एस एन मेंटेन इंटरनल नॉलेज बेसिस रिसोर्स एंड फ्रिक्वेंटली आज ये सारी जो चीज़ें बताई गई हैं आपने उसके अकॉर्डिंग जो है अपना यहाँ पर काम करना है एज अ फ्रेशर आप अप्लाई करोगे फ्रेशर से लेकर एक साल तक का भी एक्सपीरियंस है तो यहाँ भी सभी बी बी टेक अप्लाई कर सकते हैं तो दोस्तों वीडियो पे बने रहना और ये अप्लाई के नाम को बटन दिया गया इस पर अप्लाई कर सकते हैं वीडियो के एंड में भी आपको बता दूंगा किस तरह आप इसके लिए अप्लाई करेंगे फिलहाल अलग अलग जो वैकेंसी है वो भी यहाँ पर आप देखते रहिए एसोसिएट के बाद आएगी फिर साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट की वैकेंसी डेवलपर की वैकेंसी है सर्विस नाउ टेक्निकल प्रोजेक्ट मैनेजर की फिर नेक्स्ट पेज पे आपने जाना है तो यहाँ भी आपको डेवलपर के बाद जो है अलग अलग वैकेंसीज नज़र आएंगी यहाँ भी पूरा वीडियो को देखते रहिए टेक्निकल फंक्शनल डेवलपर फिर वैकेंसी आर्किट क्योंकि सभी जो है सीरियल वाइज लगी हुई हैं फिर सीनियर एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी है यहाँ भी आप देखेंगे ये एसोसिएट की वैकेंसी है आप जिस एरिया के लिए अप्लाई करना चाहते हैं जैसे कोलकाता के लिए तो कोलकाता के लिए चेन्नई के लिए करना चाहते हैं चेन्नई के लिए कर सकते हैं ये भी यहाँ पर आपको फ्रेशर की वैकेंसी दिखेगी एसोसिएट इंजीनियर की फिर है सीनियर ऑफिसर की वैकेंसी है तो उसके बाद एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी यहाँ पर आप देखेंगे एग्जीक्यूटिव में अगर आप जाना चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब है तो इसके लिए भी आप यहाँ पर देख सकते हैं ठीक है तो यहाँ भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये दी गई है क्या क्या, क्या आपने यहाँ पर काम करना है तो एज अ एग्जीक्यूटिव भी आप यहाँ पर जो है फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर अगर आपने बी एस सी एम एस सी या फिर बी बी एम बी ए की है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं किसी भी तरह की बैचलर डिग्री आपके पास ठीक है तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो उसके बाद आप आएंगे एग्जीक्यूटिव का प्रोडक्शन एजेंट की हैदराबाद के लिए साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट फिर प्रोडक्शन एजेंट की फिर वैकेंसी है फिर उसके बाद आएंगे डेवलपर की है वैकेंसी नेक्स्ट पेज पे चलेंगे तो यहाँ भी आप देखेंगे डोमेन कंसल्टेंट सॉल्यूशन आर्किटेक्ट डोमेन कंसल्टेंट एसोसिएट की वैकेंसी है यहाँ भी आप देखेंगे एसोसिएट की जो मैं वैकेंसी दिखा रहा हूँ ये फ्रेशर्स के लिए है, पहले कोलकाता फिर चेन्नई अब मुंबई के लिए वैकेंसी है तो इसको भी अप्लाई कर सकते हैं सत्ताईस है तारीख जिस लोकेशन के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसे ज़रूर अप्लाई कीजिए फिर आगे आप चलेंगे तो नेक्स्ट पर आप आगे करेंगे तो यहाँ भी आपको बिजनेस फाइनेंस मैनेजर डिप्टी मैनेजर डिलीवरी मैनेजर टेक्निकल लीड एसोसिएट तो यहाँ भी मुंबई के लिए एक और वैकेंसी आ गई है यहाँ पर फिर है एनालिस्ट तो मुंबई के लिए आपको सिर्फ़ एक जगह अप्लाई करने की ज़रूरत है क्योंकि लोकेशन जो है वो सेम है अलग अलग लोकेशन के लिए करना है तो आप अलग अलग के लिए कर सकते हैं जैसे एसोसिएट की वैकेंसी यहाँ पर फ्रेशर की पुणे लोकेशन के लिए भी आप कर सकते हैं यहाँ पर छब्बीस तारीख की वैकेंसी है ठीक है तो कंपनी ने हर दिन कोई ना कोई वैकेंसी एज अ फ्रेशर डाली है फिर आप देखें मुंबई की फिर वैकेंसी डाली है मुंबई में जो है मल्टीपल लोकेशन मतलब कैंडिडेट्स वहाँ पर कंपनी को चाहिए ठीक है तो इस तरह आप छब्बीस तारीख में भी वैकेंसीज देखेंगे काफ़ी वैकेंसीज यहाँ पर लगी हैं तो एक बार और थोड़ा सा दिखा सकता हो आप और भी आप जो है चेक करते रहना फिलहाल मैं ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा तो यहाँ पर जो है आपको मैं अप्लाई करके भी बता दूँगा किसी वैकेंसी को किस तरह अप्लाई करना है तो यहाँ पर आप देखिए मैनेजमेंट ट्रेनिंग की दोस्तों वैकेंसी है मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए आपने इस रिक्वेशन आई को ओपन करना है तो यहाँ पर मैनेजमेंट ट्रेनिंग की जो वैकेंसी है उसमें भी आप देखेंगे द पर्पज़ ऑफ़ ठीक है तो काम जो है कंपनी ने हर एक का दिया हुआ है कि पर्पस जो है टेक्निकल सपोर्ट ही करना है काम एक ही है हर जगह रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी सेम बनाई है ये सिर्फ आपका डेजिग्नेशन अलग है ठीक है काम तो कंपनी में तकरीबन एक कर का ही होता है हर जगह जो आईटी कंपनी है बट मेन बात है कि अलग अलग डिपार्टमेंट रहते हैं तो थोड़ा चेंज भी रहता है क्या है बट यहाँ पर कंपनी ने हर चीज़ सेम दिखाई है और उसमें बट आपका डेजिग्नेशन अग है आपकी सैलरी अलग अलग होगी तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए एम हो ए होगी एम हो गए तो उनको यहाँ पर मौका दिया जाएगा तो या फिर बी बी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं तो अगर आप मैनेजमेंट ट्रेनिंग की भी अप्लाई करते हैं तो सैलरी आपको ज़्यादा मिलेगी दस लाख से ऊपर भी कंपनी पैकेज यहाँ पर आपको दे सकती है तो ज़रूर एज अ फ्रेशर भी अप्लाई करें अप्लाई पे आपने दोस्तों यहाँ पर क्लिक करना है जैसे आप इसे क्लिक करेंगे फर्दर यहाँ पर पेज ओपन होगा और फर्दर पेज ओपन होगा तो यहाँ पर आप देखेंगे लिखा होगा एंट्री और मेल ठीक है तो यहाँ पर जैसे हम अपनी मेल डाल देते हैं तो आप अब भी अपनी मेल डाल दीजिए तो एक्सेप्ट द प्राइवेटी पॉलिसी को पढ़ के आपने एक्सेप्ट करना है इसे फिर आगे यहाँ पर नेक्स्ट करना है नेक्स्ट जैसे आप करेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा यहाँ पर आप देखिए आगे नेक्स्ट करेंगे तो जैसे ही आप देखिएगा तो यहाँ पर मांगा जाएगा आपका सी वी अपलोड जहाँ पर तीन चीज़ों से आपने अपना प्रोफाइल को कंप्लीट करना है तो यहाँ पर अपना डिवाइस से आप गूगल ड्राइव या अपने डिवाइस से आप अपना जो है रिज्यूमे उठा सकते हैं सी वी अपना उठाना पाँच एम बी से ज़्यादा ना हो प्रोफाइल पिक्चर भी अपनी उठा सकते हैं क्रिएट लॉगिन के लिए अगर आपने कभी पहले अप्लाई किया है तो डायरेक्ट आप लॉग इन भी ऊपर कर सकते हैं यहाँ पर लॉग इन दिया होगा उसके लिए ठीक है तो यहाँ पर रिटर्निंग कैंडिडेट बैक लॉगिन पर यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं इधर दिया हुआ है एक बार पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको लॉग इन के अपना ई मेल लिखना पड़ेगा पासवर्ड लिखना पड़ेगा और फिर मिस्टर या मिस से बताना पड़ेगा मान लीजिए मिस्टर कर दिया अपना नेम आएगा लास्ट नेम आएगा आपकी ईमेल आईडी आ गई फ़ोन नंबर अपना एड्रेस आ गया आपका यहाँ पर कंट्री स्टेट आ गई आपकी ठीक है आपकी रीलोकेटिंग के लिए अगर आप अवेलेबल तो यस कीजिए मान लीजिए कंपनी आपको एब्रॉड भेजती है तो यहाँ पर ये कर देना क्योंकि उससे फ़ायदा ही मिलेगा आपको हैव यू एवर एवरी एम्प्लॉयिट अगर नहीं किया है तो नो कर देना अगर आपने किया तो आपको कोई उसकी सब्सिडरी में काम किया तो आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा उसका एम्प्लॉई आईडी आपको ठीक है अगर आपने कभी यहाँ पर आर यू करंटली एम्प्लॉयड विद गवर्नमेंट एजेंसी की किसी के साथ आप एम्प्लॉय पिछले लास्ट बारह महीने से आप काम कर रहे हैं तो आपको बताना पड़ेगा कब से कब तक कर रहे हैं आपने फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ आ गई आपको इस वैकेंसी के बारे में किस तरह पता चला आपने बताना आपकी एजुकेशन बतानी है यूनिवर्सिटी में किस में है फिर आपका आ गया कंट्री आपकी कौन सी है फिर उसके बाद कि आप नेशनलिटी आपकी कौन सी है ठीक है नेशनलिटी में इंडियन आ गई तो ये आपको लीगली ऑथराइज हो यस yes. कि आपको वर्क परमिट स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत है नहीं है क्योंकि आप जो है इंडिया के लिए अप्लाई कर रहे हो तो इंडिया के आप सिटीजन आपको जरूरत नहीं है अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस हो तो अप्लाई कीजिए देखिए यहाँ पर स्टार दिया गया है तो यहाँ पर फ्रेशर डाल दीजिए अपना सिटी डाल दीजिए कंट्री अपना इंडिया कर दीजिए ठीक है और यहाँ पर डेट कुछ डालने की आपको जरूरत नहीं है अगर आपके पास कोई इंटर्नशिप है तो यहाँ पर आप दिखा सकते हैं और करंट सिटी या सी अगर बताना चाहते हैं तो ठीक है और अगर नोटिस पीरियड बताना चाहते नहीं है तो यहाँ पर जीरो कर देना और यहाँ पर जो है टाइम जोन अपना बता देना और उसके बाद दोस्तों अपना प्रोफाइल को सबमिट कर देना आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे तब तक के लिए अलविदा दोस्तों